वैज्ञानिक गण, इस कार्यक्रम के आयोजक और ऑनलाइन जितने भी श्रोता गण हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, क्योंकि आज का कार्यक्रम किसान को समर्पित है और चूँकि मेरा जो प्रस्तुतिकरण है वो अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में एकदम सरल भाषा में आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पहले शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई मत्स्यपालक भाई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मत्स्य कृषक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल से नहीं है और लेकिन बहुत सारे जुड़े हैं हमारे साथ और विश्वास करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को देखेंगे और आप लोग भी इस कार्यक्रम से प्रेरित होंगे। जैसा कि मेरा विषय है जैविक मत्स्य पालन, जैविक मत्स्य पालन से शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के बीच मत्स्य पालन के संबंध में हल्की सी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे देश में मत्स्य पालन का क्या स्टेटस है, क्या आज की डेट में हमारा मत्स्य पालन कहाँ पे स्थिर है और उसके तुलना में ये जैविक मत्स्य पालन क्यों आवश्यक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मत्स्य पालन ना कह के मैं एक शब्द का उपयोग करूँगा, अब तक जितने भी आप लोगों ने भाषण सुने होंगे वो आपने कृषि के ऊपर सुने होंगे। लोग इसको मत्स्य पालन जरूर कहते हैं लेकिन असली में जल कृषि है। जल में पलने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो वनस्पति हों चाहे जलीय जीव हों, वो सारे इस मत्स्य पालन के नाम पे आते हैं। तो ये एक तरह से जल कृषि है। जल कृषि का सबसे महत्वपूर्ण जीव क्या होता है? मछली। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग ये कहा करते थे, सुना करते थे कि मछली जल की रानी है, यानी कि उस पानी की जो रानी कौन है? मछली है। यानी कि पानी की गुणवत्ता, पानी की मूल्य को पहचाना कैसे जाता है? मछली को देख के। यदि किसी भी जल संसाधन में, चाहे वो पोखर हो, नदी हो, नहर हो, यदि वहाँ पे मछली जिंदा है तो इसका मतलब वो पानी कहीं ना कहीं उपयोग लाने के लिए है, क्योंकि वहाँ पे एक जीव जीवित है। यानी कि मछली एक तरह का बायो इंडिकेटर है जो पानी की गुणवत्ता को दर्शाता है। अब पानी का उपयोग कृषि में बहुत यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, चाहे वो उसकी सिंचाई के लिए हो, चाहे किसी भी गतिविधि में विदाउट पानी आप कोई भी गतिविधि संपन्न नहीं कर सकते। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूँगा अगली स्लाइड रखी जाए। ये एक तुलनात्मक विवरण है जो मैं आपके समझ इसलिए रखना चाहता हूँ, ये विगत 50 वर्षों का तुलनात्मक विवरण रखा है मैंने। मेरे रखने का ये मुख्य उद्देश्य यह है कि विगत 50 वर्षों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि का सेक्टर है, उसमें हमारी देश की जीडीपी में जो पहले हमारा 45% रहता था और जो 50 वर्ष के बाद अब 14% की जीडीपी का योगदान देता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में बाधित हुआ है या प्रभावित हुआ है, ये आप मान सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि जो हम लोगों की लैंड होल्डिंग कैपेसिटी थी, जो हमारी जोत थी, जमीन थी हमारी, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कम इसलिए होती जा रही है कि हमारे परिवार बढ़ते जा रहे हैं और जनसंख्या की वृद्धि स्तर तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा है भारतवर्ष की, और उस कारण से विगत कुछ वर्षों में आज का जो औसतन है वो 1 हेक्टेयर से भी कम, 0.6-0.7 हेक्टेयर का औसतन जमीन का, एक व्यक्ति का औसतन वो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, जोत है। एक तरफ जमीन कम होता जा रहा है और कृषि कहीं ना कहीं स्थिर पे आ गया है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सहायक गतिविधियां हैं कृषि की, चाहे वो मछली पालन हो, रेशम हो या पशुपालन हो, उसको जोड़ने का उन्होंने आह्वान किया है और मेरे को बताने में ये खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा स्रोत से मछली विभाग को एक नया मंत्रालय मिला है। ये पिछले विगत वर्ष ही मिला है। ये इसलिए मिला है कि पूरी जनसंख्या देखेंगे,
जनसंख्या का 60% पूरे भारतवर्ष में वो कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या है वो मछली के आहार के रूप में या मछली की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। चाहे आप ईस्ट कोस्ट भारत से चलिए या वेस्ट कोस्ट भारत पे चलिए, दक्षिणी भारत के जितने भी प्रदेश हैं वो कहीं ना कहीं मत्स्य पालन से जुड़े हैं और मत्स्य पालन को एक प्रमुख आहार के रूप में लेते हैं। अगला बढ़ाइए। अब इसको आगे बढ़ाने से मैं थोड़ा सा दो चार आंकड़े जरूर रखना चाहूँगा। जो वर्तमान स्तर देखेंगे हम मछली पालन का, हमारा जो पूरा सबसे जो देश का मछली का उत्पादन है दूसरे स्थान पर है आफ्टर चाइना, लेकिन जो भारत का उत्पादन है और जो चाइना का उत्पादन है कहीं ना कहीं भारी भिन्नता है, बहुत ही अंतर है। और कहीं ना कहीं मछली पालन देश की जीडीपी में हल्का फुल्का सहयोग जरूर देता है, लेकिन जो युवक बेरोजगार युवक बैठे हैं उनके लिए एक अच्छे रोजगार के साधन साथ साथ में कृषकों के आय के लिए बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। दो तरह के जल स्रोत होते हैं, एक होता है बहता हुआ पानी जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोइंग वाटर, एक होता है रुका हुआ पानी। जो बहता हुआ पानी होता है वो नदियाँ होती हैं, जनरली नदियाँ झील समुद्र ये सब होते हैं। जो रुका हुआ पानी है वो आपके तालाब पोखर जलाशय ये सब आपके रुके ही पानी की श्रेणी में आते हैं। हमको इन सब पानियों का जो वाटर रिसोर्स है जल संसाधन है हम किस तरह से इसको किस तरह से उपयोग करें कि हमारा उत्पादन तो बढ़े, साथ साथ में जैसी चर्चा हो रही है जैसा ये विषय है कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, हमको क्वालिटी प्रोडक्ट पर भी ध्यान देना है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए उसी की आज मैं चर्चा करने जाऊँगा। इसमें मैं मुख्य बात जो है इस स्लाइड में वो दो चीज़ देखने लायक है। पहली चीज़ जो समुद्री उत्पादन है, जो समुद्र में सिर्फ उत्पादन मछली आखेट होता है, मछली मारी जाती है, पालन नहीं होता, अब होने लग गया है लेकिन अभी शुरुआती स्तर है। उस कारण से समुद्र में कहीं ना कहीं मछलियाँ खत्म होने की स्थिति पर आ गई है। जो हमारा वाइल्ड कैच था जो हम नदियों से या समुद्रों से लेते थे, चूँकि हम पालन नदी और समुद्र में नहीं करते उसकी कारण से इन मछलियों का कहीं ना कहीं वहाँ से कैच, वहाँ से जो हमारे मछुआरे भाई पकड़ते थे मछलियाँ, कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए समाप्त की ओर जा रहा है, स्टैटिक होता गया है। लेकिन कुछ आज वाली संभावनाएँ क्या हैं? संभावनाएँ ये है कि हमारे ऐसे जल स्रोत हैं जिसको हम यदि उपयोग में लाएं, खास करके अंतरस्थली जल क्षेत्र जिसमें तालाब पोखर जलाशय ऐसे जो जल क्षेत्र हैं जिसका उपयोग हम मछली पालन में लाएं, तो कहीं ना कहीं हम इस हमारा जो उत्पादन तो स्तर बढ़ेगा ही, साथ साथ में हम कई चीज़ें इस दिशा में सोच सकते हैं। तो आने वाला जो कल है वह अंतरस्थली मछली पालन के ऊपर है और अंतरस्थली मछली पालन को भारत सरकार बहुत जोर दे रही है और बहुत सारी योजनाएं संचालित भी कर रही है हर तरह की। आगे बढ़ाइए। अब जो उत्पादन क्षमता देखें, यदि कुल जनसंसाधन का कुल उत्पादन क्षमता हमारा 200 मैट्रिक टन है और जो उत्पादन है करीब 120 मैट्रिक टन है, यानी 80 मैट्रिक टन जो गैप है वो हम कहीं ना कहीं अपने जल संसाधन को जल कृषि में उपयोग में नहीं ला रहे। और साथ साथ ऐसे जो क्षेत्र हैं जो जैसे ऊसर भूमि हो गई, खारा जल क्षेत्र है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई गतिविधि कृषि की आप नहीं कर पाते हैं, ऐसे पूरे देश में 13 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। इस 13 लाख हेक्टेयर जहाँ पे कृषि की कोई गतिविधि नहीं होती है यदि उस जल क्षेत्र को भी मछली पालन से जोड़ा जाए और इस तरह से बनाया जाए कि वो जल क्षेत्र एक उपजाऊ बन जाए और साथ साथ में हम अपने संसाधनों को उपयोग करते करते कोई ना कोई गतिविधि लेते हुए अपने एक इनकम का साधन पैदा कर सकें। आगे ये कुछ गतिविधियां हैं जो कि कोई मछली पालन से कर नहीं कर रहा, इसलिए मैंने एकदम थोड़ा सा 10 मिनट में स्टार्टिंग कर लूँगा फिर ऑर्गेनिक मत्स्य पालन पर आऊँगा। ये कुछ गतिविधियां हैं जिस पे मछली पालन पर आप लोग विचार कर सकते हैं अपने रोजगार के रूप में, अपने संसाधनों के उपयोग के रूप में, और सबसे बड़ा उपयोग जो आप खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें सिंचाई का जो सबसे बड़ा बिंदु है वो पानी की आवश्यकता रहती है। उस पानी को रोकने का सबसे बड़ा मूलमंत्र आपके तालाब पोखरी होते हैं,
तो कहीं ना कहीं आप मछली पालन को अपने इन व्यवसायों से जोड़ के एक अच्छे रूप में ले सकते हैं, जिसे हम लोग आज की डेट में एकीकृत मत्स्य पालन कहते हैं, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। और मैंने आपको बहते हुए जल क्षेत्र के बारे में बता ही दिया है। मछली पालन के साथ साथ चूँकि हमारे जो ज़मीन है कम होती जा रही है, विगत कुछ वर्षों में हमारी जो वर्तमान सरकार है ऐसी नई नई स्कीम, नई नई योजनाएं लॉन्च हुई है, जिसके कारण से इस सेक्टर में काफ़ी लोग से मिला, इतने उद्यमी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। इन्वॉल्व इसलिए हो गए मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे जिस क्षेत्र के फील्ड हों, वो इस सेक्टर में आ रहे हैं। उसका कारण है कि कुछ आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो गई है। उसका उद्देश्य ये मत रखिएगा कि उत्पादन ही बढ़ाना है, उसको ऑर्गेनिक वे से कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए इस पर मैं आने वाले समय में चर्चा करूँगा। एक जो दो तीन तकनीक मैंने जो आखिरी में उल्लेखित की है, वह है एक रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, एक बायोफ्लॉक या एक्वापोनिक। आपने हाइड्रोपोनिक तो सुना होगा, लेकिन एक्वापोनिक एक ऐसा सा है जहाँ पे हम बिना मिट्टी का उपयोग किए अपने ही जल क्षेत्र में पानी और साथ साथ में हरी सब्जियाँ पैदा कर सकते हैं। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम ऐसा, दोनों ये सब इकाइयाँ ये है कि आप कम जगह में, कम पानी में, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन लें, और ज़्यादा से मछली जो आपका पानी स्रोत है, आपकी डेट में इतना पानी खराब होता जा रहा है। आपको मैं याद दिलाऊंगा 22 मार्च वाटर सेव डे भी है, पानी बचाओ दिन भी है, इस पर सरकार बड़ी गंभीर है, वाटर के प्रति, जल के प्रति बहुत गंभीर है। और जल को सही करने के लिए हम लोग अब जब पीने का पानी जब हम फिल्टर करके पीते हैं, तो वही टेक्निक जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट टेक्निक या फिल्ट्रेशन टेक्निक, उसी तकनीक को उपयोग करते हुए मछली को औद्योगिक ढंग से किस तरह से मछली पालन किया जाए, वही एक रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है। जो भी मछली पालन करते हैं जानते हैं, दो तरह के वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। एक होता है वो तत्व जो पानी में घुले रहते हैं, खासकर ऐसे टॉक्सिक गैसेस, और एक तत्व जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। इनको आपको साफ करके, फिल्टर करके मछली के पालन को आधुनिक ढंग से, औद्योगिक ढंग से पालन करना। ये इस तकनीक को देखते हुए विगत कुछ वर्षों में कुछ उद्यमी लोग इसके लिए बहुत अग्रसर हुए हैं और बहुत तेज़ी से इस मछली पालन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आगे जैसा मैंने कहा कि सघन मछली पालन, क्योंकि यही एक विषय है जिस पे हम पूरा मेरा विषय केंद्रित रहेगा, ऑर्गेनिक मछली पालन पे, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से सघन मछली पालन पे इतना जोर हुआ है। इसलिए जोर हुआ है क्योंकि जनसंख्या, जैसे मैंने बताया, हमारे पास स्रोत कम होते जा रहे हैं, प्लस साथ साथ में जो हमारी सरकारी सुविधाएं हैं उस पे ज़्यादा केंद्रित, पिछले विगत कुछ वर्षों में नीली क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण इसका सघन मछली पालन की ओर लोग बहुत अग्रसर हुए हैं। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मैं बता चुका हूँ, अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन ये सारे फैक्टर मछली के सघन पालन के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले समय में यदि ये बड़ा सघन मछली पालन होता है, तो हमको आने वाले समय पे जो जोर देना है, वो मैं कुछ समस्याएं गिनाऊंगा अगली स्लाइड। ये कुछ इश्यूज हैं जो आज की डेट में हमको जानने की ज़रूरत है कि मछली पालन में कौन कौन से इश्यूज हैं जिसको हमको केंद्रित किए जाए। एक पहला है कि जो जल संसाधन है, हमने उसका आज की डेट में 100% उपयोग नहीं किया है। जितना है पूरे देश का, जितने भी जल संसाधन है, मात्र 50-60% जल क्षेत्र ही हम लोग उपयोग कर पाए हैं। यानी कि हमको ज़रूरत है कि अपने जल क्षेत्र को अपनी कृषि और कृषि की अन्य गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे जो जल क्षेत्र हैं, क्योंकि इतनी सारी मानव गतिविधियाँ बढ़ गई है, जिसके कारण से हमारे जल क्षेत्र प्रदूषित भी होते जा रहे हैं। प्रदूषित होने के कारण बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, आपको मैं गिनाऊंगा, वो कहे जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व हैवी मेटल्स, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया। ये जब शरीर में आता है तो कई चीज़, जैसे कि अभी पुराने वक्ताओं ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियां होती है। ये जो भी, चाहे वो खेती का हो, चाहे मछली का हो, ये जितने भी हैवी मेटल्स हैं, ये इन
जो जीव पदार्थ हैं इसमें बायो अक्यूमुलेट होते हैं। जो जो आपका पानी में हैवी मेटल है, जब ये सब जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, जब वो पदार्थ खाता है तो वो जो एक्यूमुलेशन होता है वो मानव के शरीर में या पौधे के में वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस कारण विभिन्न रोगों को जन्म देता है। तो यानी कि बायो एक्यूमुलेशन कहाँ से हुआ? पानी से जो पड़े तत्व हैं उसके कारण हुआ। वो तत्व कहाँ से आए? प्रदूषित पानी से आए। तो इस प्रदूषित एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है, उद्योग लगते जा रहे हैं, नदियाँ नमामि गंगे कार्यक्रम क्यों सरकार ने चलाया, लखनऊ में गोमती को क्यों सहारा जा रहा है, साबरमती नदी को क्यों सवारा जा रहा है, क्यों हमारी नदियाँ ही इतनी प्रदूषित हो गई है? उन नदियों को बचाने का समय आज हमारे पास है, क्योंकि नदियाँ ही आधार है कृषि का। जल नहीं होगा तो आप कृषि नहीं कर पाएंगे, और स्वच्छ जल ही इम्पॉर्टेंट है, एक नींव रखता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। स्वच्छ जल यदि आप अपने पौधों में दे रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग रियल मायने में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये नहीं हुआ कि कीट निशाणु आपने बचा लिए, आपको मिट्टी का भी प्रबंधन करना है, आपको जल का भी प्रबंधन करना है, और जो तत्व आप जो भी रिसोर्सेज ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, चाहे वो फीड के रूप में या खाद के रूप में, वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। यानी कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्लान आपके पास होना चाहिए। जब कंप्लीट ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्लान आपके पास होगा तब एक शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप डेवलप कर पाएंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैंने पहली बता दी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आखिरी वाला बिंदु, क्वालिटी एश्योरेंस और फूड सेफ्टी। जब हम सघन मछली पालन का इतना उल्लेख कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और हमारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कहीं ना कहीं हमको आज की डेट में अच्छे क्वालिटी का पदार्थ हमारे पास होना चाहिए, और उसी का एक सबसे बड़ा टूल है वो है ऑर्गेनिक मत्स्य पालन। पूरी भूमिका आप लोग समझ गए कि ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्यों जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। ये चीज मैंने सारी उल्लेखित की गई है कि क्या क्या कारण थे, क्या क्या बिंदु थे जिसके कारण से हमको आज की डेट में ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग, ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर की जरूरत है। क्योंकि हमारे जल कहीं ना कहीं जल तो समाप्त ही हो गए, पता नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जल का वाटर टेबल था वो गिर के 200 फीट के नीचे चला गया। आपके यहाँ पता नहीं कितना होगा, पता नहीं, पानी का जल स्तर जमीन का नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण आपके जो रेन है वो कम होती जा रही है। आपने कोई टूल डेवलप नहीं किया अपने फार्म पे कि मैं रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट करूं। सबसे शुद्ध पानी आपको पता कौन सा है? सबसे शुद्ध पानी वर्षा का पानी है। वर्षा के पानी का शुद्ध पानी कोई नहीं होता, चाहे आप नदी से ले लीजिए, चाहे किसी पोखर से ले लीजिए, जब ऊपर से गिरता है पानी वही शुद्ध पानी माना जाता है। यानी कि आपको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना जरूरी है, वर्षा का पानी बचाना जरूरी है। और वर्षा का पानी कैसे बचाया जाता है? जिसपे सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही गतिविधि दे सकती है जिसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूं, वो है तालाब, वो है पोखर, वो है छोटे छोटे बीचेस, गड्ढे। आप जब तक नहीं बनाएंगे, आप सब पानी, स्वच्छ पानी को अपने पास हार्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अंडरग्राउंड वाटर निकालेंगे, जमीन के नीचे का पानी बोरिंग से करके निकाल लिया, आपने पंप लगा के निकाल दिया, आपको मालूम कि अंडरग्राउंड वाटर कितना पोल्यूटेड होता है। बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, बहुत वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, और ये पाया है कि सारे के सारे अंडरग्राउंड वाटर में कहीं फ्लोरीन ज्यादा है, कहीं क्लोरीन ज्यादा है, कहीं हैवी मेटल्स पाया जा रहा है। तो ये दिन प्रतिदिन आपका ग्राउंड वाटर बनेगी पोल्यूटेड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब कारण है, अपने मानव संसाधन के उपयोग वाले जो कारण वही कर रहे हैं। अब वही ग्राउंड वाटर आप ऑर्गेनिक खेत में यूज कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो ग्राउंड वाटर करके मैं अपने ऑर्गेनिक फार्म में यूज कर रहा हूं तो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं, आपको पानी भी ऑर्गेनिक रूप में यूज करना है, तभी आपका स्वच्छ जो उत्पाद होगा वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होगा। आगे ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है किसी वैज्ञानिक ने कि ऑर्गेनिक मत्स्य पालन किसे कहा जाता है। ऑर्गेनिक मत्स्य पालन का उद्देश्य दो चीज से मेरा है, एक ऐसा नेचुरल फिश फूड यानी कि प्राकृतिक भोजन हमको मिले, प्राकृतिक भोजन मिले जो कि कई चीज़ों से हटाओ, यानी कि वो पूर्ण रूप से हेल्दी हो,
कोई केमिकल ना हो, कोई ऐसा हार्मोन ना हो, ऐसा एक प्राकृतिक भोजन मिले। साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, हमारा पर्यावरण भी बचे। हम लोग पर्यावरण बचने पे कोई कार्य नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ऑर्गेनिक खेती ही हमारे ना कि प्राकृतिक भोजन दे सकती है, साथ साथ में हमारे पर्यावरण को प्राकृतिक ढंग से बचा सकती है। और पर्यावरण का बचना सारे रोगों का निदान है। स्वच्छ हवा क्यों लेते हैं हम लोग? अच्छा पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ये सब चीजें मैंने अभी उल्लेखित की है, जो हम पानी से फसल लेते हैं और कैसे हम ऑर्गेनिक मछली पालन करें और कैसे कैसे हम ऑर्गेनिक गतिविधियां कौन सी करें कि हमारी अन्य गतिविधियां भी उससे उसके समतुल उतनी ही तैयार हो जाए, वो कुछ बिंदु हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अंधे हो गए। जो रिसर्च कमर्शियल कंट्री में हो रही है, खास करके नॉर्थ ईस्ट एशिया में, यूरोप में, ऐसी रिसर्चेस हो रही हैं कि आदमी जेनेटिकली मॉडिफाइड, दिखने में फसल अच्छी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी फसल देख के आदमी उस खेती के लिए ललायित हो जाता है क्योंकि उसका मार्केट उपलब्ध है, देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। वही चीज़ जैसे आपके फसलों में होता है, वही चीज़ मछली पालन में होते हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, यानी अनुवांशिक रूप से तैयार किया गया है। ऐसी अनुवांशिक मछलियों को कभी कभी भी अपने इस ऑर्गेनिक के लिए चयन ना करें, पहली चीज़। और ऐसी मछलियों का चयन करें जो नेटिव मछलियों, यानी कि आपके क्षेत्र में पलने वाली हो। कभी भी बाहरी मछलियों का ना लें और ऐसी मछलियों का उपयोग लें जो प्राकृतिक संसाधन पे, प्राकृतिक भोजन पर निर्भर करती हों, पहली बात। वो प्राकृतिक भोजन से मतलब मेरा है कि अधिकांश मछलियाँ हर तरह की होती हैं, एक माने कि शाकाहारी भी होती है, मांसाहारी भी होती है, लेकिन इसमें आप कम वही मछली रखिए जिससे शाकाहारी हर्बीवोरस मछलियाँ ही आपके यहाँ पलें, ताकि आप एक प्राकृतिक रूप से आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ पाएंगे। कुछ ऐसे स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं बताने जा रहा हूँ जिसको देख के आप इस चीज़ को कंक्लूड कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये जब हम ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर भारत में देखते हैं तो भारत में ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर अभी इन्फेंट स्टेज पे, यानी कि अभी पैदा हुआ है, यानी कि अब जितनी भी हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देख रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर और जैविक मत्स्य पालन हमारा छोटा बच्चा है, अभी प्रारंभिक दौर पे है, जिसको हमको बड़े ही सावधानी पूर्वक से आगे चल के बढ़ाना है। ऐसे कुल शुरुआत जो हुई थी, जो तीन माने जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वो प्रदेश माने जाते पाए जाते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक जो आपके रॉ मटेरियल ज़्यादा उपलब्ध हैं। एक आपका तो मध्य प्रदेश, जिस धरती पे मैं उपलब्ध हूँ, इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं और कुछ साउथ में जहाँ पे एक्वाकल्चर कहा जाता है, ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर जैविक मत्स्य पालन, वो केरल और आंध्रा। सबसे पहला ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर जो स्टार्ट किया गया था केरल में किया गया था, और सरकार ने ये मान के चलिए जितने भी नॉर्म्स आपके एग्रीकल्चर के हैं वही नॉर्म्स एक्वाकल्चर के लिए निर्धारित किए गए। ये जो मैंने लिखा है कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके जितने चीज़ों को और इंटरनेशनल फेडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के तहत रखा गया है, इसके सारे के सारे नॉर्म्स एक्वाकल्चर जो ऑर्गेनिक मत्स्य पालन है उसके लिए रखे गए। यानी कि जो आप उस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वही चीज़ अप्लाई कीजिए, यानी कि आपको सघन मत्स्य पालन ना करके ऐसा पालन करना है, भले ही आपका जो भी भूमि है, जल क्षेत्र है या भूमि का क्षेत्र है ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए, उस क्षेत्र में सारी गतिविधियाँ आपको बना के रखनी है, यानी कि एक कंप्लीट फार्म के रूप में डेवलप करना है, पौंड के रूप में नहीं डेवलप करना है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि हम ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर एक तालाब में कर दे, तालाब में नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर करते हैं एक फसल पे नहीं हो सकता, आप जब सामूहिक फसल को ऑर्गेनिक वे में करेंगे तभी वो ऑर्गेनिक फार्म के रूप में आप डेवलप करेंगे, तभी ऑर्गेनिक जो उत्पाद होगा वो सही मायने में कहलाया जाएगा। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे देश में ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास पूरे जो शाकाहारी मछलियाँ हैं बहुत ही मात्रा में, जो मुक्त रूप से हम लोग पालते हैं मछली पालन, वो
जो कि यहाँ की नेटिव प्रजाति है, जिसे कार्प मछली कहते हैं। रोहू, कतला, नैन, सिल्वर और ग्रास जो है वो विदेशी प्रजाति हैं। रोहू, कतला, नैन जो देसी प्रजाति हैं हमारी मछलियाँ, उसका ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूपी में, एमपी में और जो नॉर्दर्न क्षेत्र हैं उत्तरी भारत में करने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। और दूसरी एक मछली है जिसका हम अब बहुत ज़्यादा विचार कर सकते हैं, वो पंगेसियस। पंगेसियस चूँकि भारी मछली है, लेकिन पंगेसियस का पालन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। जो कमियाँ हैं इसके अंदर, वो कमियाँ ये है कि हमारा शुद्ध पानी ढंग से मिले हमको, पहली बात। जो क्षेत्र हमारा है उस क्षेत्र में सारे रॉ मटेरियल मिल जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मछली का आहार। मछली का आहार आप कैसा पैदा करते हैं, जो आपके चावल कन्नी, सरसों की खली या आपके मूंगफली की खली, ये जितने भी खलियां हैं ये एक प्रोटीन का स्रोत है। और ये जो रॉ मटेरियल है ये जब तक आपका ऑर्गेनिक फार्म से लिया गया ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा, तो आप ये मान के चलिए आप एक ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर की तरफ से नहीं दे सकते। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऑर्गेनिक मत्स्य पालन और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि आप दोनों जब तक साथ में नहीं करेंगे आप किसी एक दिशा की ओर नहीं जा सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर का मार्केट भी इस्टेब्लिश नहीं है। और जो भी एक मछली यहाँ पे मार्केटों में उपलब्ध होती है, ऑर्गेनिक सालमन जो बाहर से आती है, लेकिन ऐसा जो देसी प्रजाति है उसका एक भी ब्रांड हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं हमको इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। हम सिंपल एक ऑर्गेनिक का टैग लगा के नहीं कर सकते, उसके लिए हमको जो भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसका सहयोग क्यों ना लेना पड़े, उसका हम लोग सहयोग लेते हुए अपने ऑर्गेनिक फार्म को सही ढंग से सर्टिफाइड कराएं, रजिस्टर्ड कराएं, ताकि हमारा जो उत्पाद मिले एकदम प्योर ऑर्गेनिक मिले, और ऑर्गेनिक मिलने के बाद हमारा जो मार्केट में जाए तो ये कहे कि सर्टिफाइड है। आपको मैं उदाहरण दूंगा, इसकी इंडियन मार्केट नहीं है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा इसकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत है। और मछली पालन ये मान के चलिए फॉरेन करेंसी में बहुत बड़ा योगदान देता है। जो फॉरेन करेंसी अर्न होती है भारत सरकार की, उसमें मछली पालन बहुत बड़ा योगदान देता है एक्सपोर्ट में। उसका सबसे बड़ा जो फसल है श्रिम्प। श्रिम्प जो हम लोग पालते हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारा वह एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों में जाया जाता है। यूरोपियन कंट्री में, खास करके यूरोपियन कंट्री में और जो दूसरे देश हैं हमारे, खास अमेरिका, अमेरिका में, वहाँ पे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है। और ये मैं बताते खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने एक एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने संस्था को एक्सपोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं एपीडा के माध्यम से। वैसी हमारी एक संस्था है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपीडा। एमपीडा से आप अपने उत्पादों को रजिस्टर्ड करा के आप उसका फॉरेन करेंसी के माध्यम से एक्सपोर्ट के ऊपर वाइज हो सकते हैं। ये एक ऐसी कॉमोडिटी, यदि आपका लोकल मार्केट नहीं बन पा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि मैं इंटरनेशनल मार्केट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको वास्तव में मूल्य मिलेगा। और किसान जब इसमें जो मूल्य लगता है वो ज़्यादा मूल्य लगता है, मूल्य इन द सेंस नहीं लगता है क्योंकि आपका जो संसाधन लगा है वो बृहद रूप में लगा हुआ है। जब बृहद रूप में संसाधन निकलता है वो आप, मैं उदाहरण देता हूँ कि एक तालाब से जो किसान, जो गांव के तालाब होते हैं उस एक हेक्टेयर के तालाब में से 2 से 3 टन या 3 से 4 टन कह लीजिए मछली का उत्पादन लेता है एक हेक्टेयर, 2.5 एकड़ के तालाब। एक हेक्टेयर का मतलब हो गया 100/100 × 1000 कीजिए 1 करोड़ लीटर पानी। आपने 1 करोड़ लीटर पानी उपयोग किया, 2.5 एकड़ की जमीन ली, और उसके बाद कितना मछली उत्पाली आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 टन गांव के तालाब में। यानी कि आपने इतना संसाधन लगाया और एक फसल उतारी, यानी कि पूरे एक साल का समय दिया, इतना स्रोत लगा दिया आपने और उत्पादन लिया आपने 5 टन। और 5 टन 200 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपये हो गए आपके। यदि आप 200 लोग के रोहू कतला पाल रहे हैं तो 200 रुपये 150 रुपये इसी हिसाब, 7.5 से 10 लाख रुपये का आपने आय ली। लेकिन क्या ये आय आपके जो लगाए हुए स्रोत में, ऑर्गेनिक में, जहाँ पे आपको
ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्लान करना है, इसके साथ साथ आपको फीड मिल लगानी है, इसके साथ साथ वहीं हैचरी लगानी है, इसके साथ साथ वहीं नर्सरी लगानी है, क्या आप 5 टन से संतुष्ट हो जाएंगे? यदि 5 टन से पैदा हुआ मछली, मान लो ऑर्गेनिक फार्म से 5 टन निकलता है, उस 5 टन मछली क्या आपके लगाई हुई लागत पूर्ण दे सकता है? वही व्यवसाय कीजिए, मेरा मानना है। जब तक वो व्यवसाय वायबल ना हो, फिजिबल ना हो, मैं कभी भी सलाह नहीं देता और ना ही सलाह देता हूँ कि अपनी उपजाऊ भूमि को मछली पालन के लिए नष्ट करें। कभी भी उपजाऊ भूमि को इसमें नष्ट ना करें, इसको उपयोग में लाएं। यानी कि ऐसी जमीन जो बंजर पड़ी है, ऊसड़ पड़ी है, खराब पड़ी है, वहाँ पे आप मछली पालन के विकल्प को चुन सकते हैं। जब वो विकल्प चुनेंगे तो आपको लगेगा जो मेरा संसाधन खराब पड़ा है, मैं कहीं ना कहीं उसको किसी वे में उपयोग कर पा रहा हूँ। यानी कि इतनी लागत लगाने के बाद आप सोचे 5 टन मछली उत्पादन करके 10 लाख रुपए की कमाई करूं, और जहां मेरा लागत 15 लाख से 20 लाख लग रहा है, तो मुमकिन नहीं है। तब आपको ऐसे मार्केट की आवश्यकता होगी जहां मेरा उत्पाद जो पैदा हो रहा है उसका दुगना मिले, 400-500 रुपए केजी या 1000 रुपए केजी मिले, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेरे को सही मूल्य पे बिके। ये कुछ ऑर्गेनिक फार्म को बनाने के लिए कुछ सिद्धांत है। उस सिद्धांतों को मैंने कहीं ना कहीं दूसरे वे में आपको बता दिया है, लेकिन इसको मैंने लिपिक रूप से यहाँ पर लिखा गया। एक कि आपको देसी प्रजातियों का उपयोग करना है, वो बता दिया मैंने। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कतई उपयोग नहीं करना है, वो बता दिया मैंने। एक मैंने ये बताया कि जो भी आपके जल संसाधन है उसको सही ढंग से और जितने भी उपयोग किए जाते हैं उसको कीजिए। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक मेरा किसान गाजीपुर का है, उसने ऑर्गेनिक कह लीजिए फार्म डेवलप किया है। उसके अंदर वो गन्ना भी करता है, वो कुछ फसलें भी उड़ाता है, औषधि फसल भी उड़ाता है। उसके साथ साथ वो मछली पालन के उसके 2-2.5 हेक्टेयर के तालाब भी हैं, साथ में वो पशुपालन भी करता है। यानी कि जो उसके उत्पाद एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में, एकीकृत के रूप में उसने सही ढंग से उपयोग किया है। यानी कि किसी सीज़न में उसका कोई उत्पाद गड़बड़ाता है, कोई चीज़ गड़बड़ाती है, तो वो दूसरे उत्पाद से उसका कंपनसेट हो जाए। और मार्केट प्राइस इतना कह लीजिए फ्रेजाइल है, आज जो आपको दाम मिल रहा हो सकता है कि आपने उससे दुगना में पिछले अगले साल पैदा किया, उतना दाम ना मिले। और अधिकांश जगह ये देखा गया है कि आपने बहुतया में उत्पादन कर लिया तो 100% का प्राइस चला गया। यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशन इंडिया मार्केट में सबसे ज़्यादा है। और आलू को देख ही रहे हैं आप, आलू इतने बहुतया में, आलू सब सड़ गए, प्याज उगाए प्याज सब सड़ गए। यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे। हमारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरों को सही ढंग से कैसे इन चीज़ों में उपयोग में लाया जाए, ये सोचने का बिंदु है जो आपको पूरे ढंग से एक एक चीज़ों को बनाना है। यानी कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपको ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्लान, कोई भी गतिविधि स्टार्ट करने से पहले आपको एक ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्लान बनाना है। और मछली पालन के लिए सबसे ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्लान क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चा, सीड, जो आपके इनपुट्स हैं, सीड, फीड और कुछ भी कह लीजिए खाद, गोबर, यही तो हुए। जो मछली पालन के सबसे ज़्यादा निवेश वाले तत्व हैं वो सीड, फीड और अन्य खाद, गोबर। ये सब चीज़ों को आप कैसे पहले उपलब्ध कराएंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो सीड है वो आपका हैचरी से उपलब्ध होता है। जो मछली पालन की जो हैचरी है, आज की डेट में बहुत तरह की हैचरियाँ उपलब्ध हैं। और जो हार्मोन मछली की ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है वो एक तरह का केमिकल है, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, केमिकल है, वो है ओवाप्रीम या ओवाटाइड। हम मछलियों को ओवाप्रीम ओवाटाइड का इंजेक्शन देते हैं। अब वो ओवाटाइड एक तरह का एंटागोनिस्ट है, जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित करता है। तो हमको ऐसे केमिकल से बचना है, हमको मछली की ब्रीडिंग इन केमिकल से नहीं करानी है। क्योंकि ये जितने भी ब्रीडिंग सेंटर्स हैं मछली के, मोस्ट ऑफ द यूपी में भी हैं, एमपी में भी बहुत सारी हैचरीज हैं, सबसे ज़्यादा है वो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से बहुत मछली के बच्चे सारे यहीं नॉर्थ उत्तरी भारत में आते हैं, वहाँ
सारा का सारा ओवाटाइड, ओवाप्रीम, ओवाफ्लैट इन्हीं सिंथेटिक हार्मोन से किया जाता है। लेकिन जो हम लोग पहले ब्रीडिंग कराते थे, यदि कोई मछली का जानकार होगा वही बता सकता है, हम लोग पहले कराते थे पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी यानी कि मछली का एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके सर में होता है। उस पिट्यूटरी को हम निकाल के उसको लेते थे और मिंच करते थे, उसी से हार्मोन बनाते थे और उसी से मछली की ब्रीडिंग कराते थे। यानी कि हमने कोई भी सिंथेटिक हार्मोन का उपयोग नहीं किया। आपने जो हार्मोन बनाया वो मछली के ही उत्पाद से बनाया और उसी का उपयोग आपने मछली की ब्रीडिंग में किया। तो ऐसे सिंथेटिक जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसको आपको उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। यानी कि आपकी जो हैचरी हो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के आधारित ब्रीडिंग कराते हुए जो बच्चे पैदा हों मछली के, उसी का उपयोग इसमें किया जाए। नेक्स्ट आइए, ये मैंने ये इस पर आने था मुझे। यानी कि आपको जो हैचरी लगाएंगे वो प्योर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आधारित होनी चाहिए। दूसरा, आप नर्सरी और रेयरिंग का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और शायद हॉर्टिकल्चर में विदाउट नर्सरी नहीं रहेंगी या फसल की नर्सरी नहीं रहेगी तो यानी कि फसल के कहीं ना कहीं मॉर्टिलिटी के होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यानी कि आपको भी मछली में नर्सरी का उपयोग रखना है, तो आप छोटे छोटी नर्सरियाँ ज़रूर बनाइए जो आपके स्पॉन मछली के बच्चे के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। क्योंकि आप लोग के लिए नया सब्जेक्ट लग रहा है, तो पहले अंडा होता है, अंडे से स्पॉन होता है, स्पॉन से फ्राई होता है, फ्राई से फिंगरलिंग होता है। यानी फिंगरलिंग का मतलब होता है अंगुली का आकार। अंगुली का आकार ही मछली का उपयोग आप मछली के तालाब के पालन करने के लिए लाइए। वो कहाँ से आएगा? जब तक आप नर्सरी नहीं रखेंगे। और मछली के बच्चे कहाँ पर कब पैदा होते हैं? वो पैदा होते हैं आपके जब बरसात के सीज़न होते हैं, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर। यानी कि जब बरसात होगी तब आप हैचरी पर निर्भर करेंगे, अंडा निकलेगा, अंडा निकलने के बाद जो फ्राई निकलेगी तो मैं पैदा करूँगा। लेकिन नर्सरी रखेंगे, नर्सरी पे आपके पूरे साल भर बच्चे उपलब्ध रहेंगे, यानी कि सीड आपका थ्रू आउट द ईयर उपलब्ध रहेगा। इसलिए नर्सरी बनाने की सलाह दी जाती है कि आप जो बच्चा ब्रीडिंग करा रहे हैं उसको नर्सरी में रखें। जब आपके तालाब में मछली कम पड़ जाए, यदि मार्केट में सेल आउट कर दी, तो आप नर्सरी के माध्यम से उसको उपयोग कर लें। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, शायद उससे आप समझ जाएंगे। पहले किसान थे जो परंपरागत मछली पालन करते थे, इसमें कोई केमिकल वेमिकल नहीं है, जो करते थे वो करते थे अप्रैल से शुरू होते थे, मार्च तक करते थे। यानी कि जो पूरे साल की जो एनुअल साइकिल है 12 महीने की होती है, 12 महीने को यदि 3-3 महीने में बांट दिया जाए, यानी कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। जो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, पहले क्वार्टर में जो किसान करता था वो ये करता था कि मैं तालाब खोदूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा, तालाब में चूना खाद डालूंगा और इतना काम पिछले 3 महीने में करता था, पहले 3 महीने। जो अगले 3 महीने आए, जून जुलाई अगस्त, नहीं जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने जो आए इसमें वो मछली के बच्चे अपने तालाब में डालता था और मछली के बच्चों को वो दाना खिला के बड़ा करता था। और कुछ मैन्योर, कुछ फर्टिलाइजर उपयोग करते थे परंपरागत में, जिसका उपयोग हमको यहाँ नहीं करना है। फर्टिलाइजर मैन्योर से जो उनके वनस्पति प्लवक होते हैं, जंतु प्लवक होते थे, जो मछली का आहार है उसको पैदा उनसे करता था। यानी कि जो नेक्स्ट क्वार्टर था, सेकेंड क्वार्टर था, मछली के बच्चों का संचय तालाब में और साथ साथ उन मछली के बच्चों को आहार देना। जो अगला क्वार्टर आता था वो आता था ठंडी वाले मौसम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये जो ठंडी वाले मौसम होते हैं इसमें मछलियाँ कम खाती हैं क्योंकि टेम्परेचर गिरता है और मछली के ग्रोथ वाले सीज़न नहीं होते। ये ग्रोथ वाले सीज़न जो समर वाले होते हैं वही होते हैं, इसमें मछलियाँ कम खाना खाने लगती है और ठंडक में मछली को रोग भी लगती है। और रोग लगने के कारण बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां उनके उल्टे सीधे दवाइयां देती हैं जो कि बैन है। कभी भी मैं सलाह नहीं देता कि जी ऐसी दवाइयां का आप लोग उपयोग करें। वो 3 महीने उनको वो कहते हैं हेल्थ मैनेजमेंट में लगाता था, बराबर जाल चलाना, मछली को रोग को देखना, कोई रोग तो नहीं लगी, यदि मछली भूखी है तो आहार भी दे देना। तो ये कुल मैनेजमेंट का काम अगले 3 महीने करते थे। जो आखिरी 3 क्वार्टर है, जो आखिरी क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, वो मछली की निकासी का क्वार्टर है, मछली को बेचने का क्वार्टर है, यानी मछली को निकालता है, मार्केट में बेचता है। तो इसने पूरा समय कब से स्टार्ट किया? अप्रैल से किया मार्च तक।
अप्रैल के शुरू के 3 महीने तो उसे जो इम्पोर्टेंट महीने थे, जहाँ पे गर्मी के सीजन थे, जहाँ पे मछली की ग्रोथ लेनी चाहिए थी, उसने वेस्ट कर दिए सिर्फ तालाब बनाने में। फिर अगले 3 बरसात आ गए, बरसात में बच्चे डाले तुमने, फिर अगले दिन ठंडक आ गई, मछली बड़ी नहीं, फिर आपने बेचने पे आ गए। यानी कि उसको पूरे साल में 500 से 600 ग्राम ही मछली मिल पाती थी। अब जो हम लोगों ने सलाह दी अपने किसानों को, हमने उनको कहा कि आप अप्रैल में ना करके आप शुरुआत कीजिए कि मैं मछली के बच्चे फरवरी के आखिरी में डालूं जो ठंडक जा रही हो। यानी कि जो 3 महीने वाले गर्मी वाले बच्चे हैं वो इसलिए डालता था कि उसको मछली के बच्चे उसी सीजन में मिलते थे। मैंने बोला यदि आप नर्सरी रखेंगे तो आपके बच्चे आपके पूरे वर्ष भर मिलेंगे, उस कारण आप मछली पालन फरवरी माह से शुरू कीजिए। अब देखिए उसके फायदे देखिए, जब वो फरवरी में बच्चे डाला आखिरी में, तो उसके अगले 3 महीने फरवरी मार्च अप्रैल मई पूरे गर्मी के महीने जहाँ मछली की ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है, बरसात के भी मौसम में बच्चे डालने की जरूरत नहीं, वही मछली पड़ी है वहाँ भी मौसम ठीक रहता है जहाँ पर ग्रोथ मिल जाएगी। यानी कि पूरे के पूरे कह लीजिए 7 से 8 महीने उसने ग्रोथ पे दे दिए मछली को। और जो ठंडक आई तो ये मान के चलिए, बस ठंडक कब से शुरू होती है, जब सारे त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि सारे नवरात्र ख़त्म, सारे सब कुछ ख़त्म, और ठंडक में मछली खाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो उसको मूल्य उस ठंडक में मिलना है, उस सीजन में नहीं मिलना है। यदि वो इस 8 महीने यहाँ पाले और जो बेहतरीन ठंडी वाले मौसम है जहाँ पे मछली का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे बेचे, तो किसान के जो बेकार हुए महीने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसका उपयोग कर लेगा। यानी कि बस थोड़ा सा संशोधन उसने किया, उसकी जो मछली 500 ग्राम की होती थी वो 1 किलो से 1.25 किलो की हो गई। वहीं कह लीजिए इतने से सारा सब कुछ वही करता रहा, उस इतना सा संशोधन करने के बाद उसने अपनी आय को दुगना झटके से कर, जहाँ वो 3 टन से 4 टन लेता था वो 7 से 8 टन मछली का उत्पादन लेने लगा। ये किस चीज़ से संभव हो सका, सिर्फ नर्सरी और ईयरिंग से, यानी कि उसने मछली के बच्चे बचा के रखे और फरवरी में स्टॉक किया। तो ये एक मैनेजमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से आपको जब ऑर्गेनिक मछली पालन करना है, मछली के बच्चे के साथ साथ आपको नर्सरी और ईयरिंग की इकाई भी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मछली का भोजन, मछली का भोजन किससे तैयार होता है, जो मैंने अभी रॉ मटेरियल गिनाया, चावल करनी, सरसों कली, जितनी भी खलियां सब उपयोग कर डालिए, इस चीज़ का उपयोग आप कीजिए मछली के आहार बनाने के लिए। अब वो आहार कैसे बनेगा, जब अपने फार्म पे आप फीड मील प्लांट लगाएंगे। अब मैं ये आश्चर्य होगा कि पिछली मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार का कि इतनी अच्छी योजनाएँ खास करके हैचरी, नर्सरी और फीड मील के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। बहुत सारे किसान ये छोटे छोटे बिजनेस हैचरी का, रियरिंग का और फीड मील का बिजनेस करने से, उस पर सरकारी अनुदान मिलने से वो आज की डेट में इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। तो आप उस सरकारी अनुदान का लाभ लेते हुए अपने फार्म पे फीड मील, हैचरी, रियरिंग स्थापित कराइए, ताकि आपका ही फसल जो रॉ मटेरियल वहाँ पैदा हो रही है वहीं फीड बन रहा है, वहीं पानी का इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यानी कि एक कंपोजिट टाइप की फार्मिंग आपको करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जब आप इस क्षेत्र पे कूद रहे हैं और पहला जब आपकी फार्मिंग हुई, अब पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, जो आपका आप एक नॉर्मल किसान थे, नॉर्मल किसान के बाद आप ऑर्गेनिक किसान बन रहे हैं, तो जो समय लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। जो आप अपने चीज़ों को कन्वर्ट किए, आप इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित हुए, वो कन्वर्जन पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कन्वर्जन पीरियड मत कर दिए सालों के साल लग जाए। यानी कि ये तभी संभव है जब आप कन्वर्जन पीरियड में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फार्म पे उपलब्ध करेंगे। कम से कम कन्वर्जन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मछली का उत्पादन करना। कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। आगे चलिए, नहीं रुकिए रुकिए, इसके बाद ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती है मछली पालन में, तालाब बनाना, स्टॉकिंग, ये सब मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एक्रेडिटेशन, यानी कि सर्टिफिकेशन। हम तब तक किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मानेंगे, मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं मानेंगे जब तक वो सर्टिफाइड ना हो जाए, क्योंकि सेम मछली दिखती है, कोई अंतर नहीं है। वो सर्टिफाइड एजेंसी से आपको सर्टिफाइड कराना आवश्यक है। बहुत सारी एजेंसियाँ उपलब्ध, मैं नाम बनाऊँगा, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एकदम माइन्यूट चीज़ मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट करो।
जो आपका ऑर्गेनिक पॉन्ड प्रिपेयर हुआ, प्रिपेयर होने के बाद जो आपका हमेशा एक पर्वत मैंने आपको बताया था, तालाब को बनाना, तालाब का सुधार करना, हर साल जो उसकी तलेटी होती है तालाब की, वो तलेटी बहुत ही उपजाऊ होती है, माने कि वन ऑफ द बेस्ट मैन्योर होती है। करीब एक साल मछली पालन के बाद जो तलेटी बन के आई तालाब की, उस तलेटी को आप स्क्रैच करके करीब आधे मीटर की तलेटी निकाल दीजिए, आधे मिट्टी की जो मिट्टी निकलेगी तालाब के नीचे की, वो सबसे बड़ा अच्छा मैन्योर होगा। उसको आप घास के साथ कंपोस्ट बना लीजिए, कंपोस्ट कर लीजिए, फिर उसको आप अपने खेत में अप्लाई करेंगे तो इसकी नाइट्रोजन उपलब्ध, जो नाइट्रोजन नेचुरल नाइट्रोजन और जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे। ये बाकायदा प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि तालाब की तलटी की मिट्टी बहुत ही अच्छा खाद है, क्योंकि मछली के जितने भी बीट्स होते हैं, जितने भी नेचुरल प्लवक होते हैं, वो ही इसको डिकम्पोज करते हैं, वही ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो ऐसे तलटी का उपयोग आप नेचुरल खाद बनाने के लिए, आप अपने जो आपका मेन ऑर्गेनिक फार्म है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको उपयोग में ला सकते हैं। आगे चलिए, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अपने जो मछली पालन को वास्तविक रूप दे सकते हैं, ऑर्गेनिक का रूप। ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको बकायदा साइंटिफिकली अप्रूव्ड कहा गया है, यानी कि आप मछली पालन में इन चीज़ों का उपयोग कीजिए। पीसी साइड का मतलब होता है ऐसे तत्व जिससे कि छोटी छोटे आ जाए, खरपतवार आप जानते हैं आपके खेतों में खरपतवार होते हैं, उसी प्रकार से तालाबों में भी खरपतवार उग जाती है। मछली की खरपतवार के लिए घास की खरपतवार कीजिए। ये कुछ ऐसे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, महुआ की खली, ये टी सीड केक, डेरी फ्रूट पाउडर जिसमें रोटी नॉन होता है, कल जैसे हमारे केलकर भाई साहब बता रहे थे, इसी का उपयोग आप अपने तालाब में जो आपके खरपतवार पैदा हो रहे हैं, जो आपकी खरपतवार वाली मछलियाँ पैदा हो रही, छोटी छोटी वीड फिशेज कहते हैं, इसको आप नष्ट करने के लिए कोई केमिकल 2,4-D का इस्तेमाल कतई मत कीजिए, कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल का उपयोग मत कीजिए, मैथ्रीन सेथ्रीन बहुत सारी केमिकल्स उपलब्ध हैं, उसका कतई उपयोग मत कीजिए। इसके साथ साथ जो खाद है वो है बायो फर्टिलाइजर। आप वहाँ पे जो परंपरागत मछली पालन में किया जाता है वो आप केमिकल्स का उपयोग करते हैं कि NPK, यूरिया, पोटाश, फर्टिलाइजर, इसको तो कतई मत कीजिए। आज की डेट में तमाम बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं, या तो जो मैंने बताया तलटी वाला, आप तालाब की तलटी को साफ करके उसी को कंपोस्ट बना के इसको दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। खाद, गोबर की खाद जो बनी जाती है, सबसे बेस्ट सोर्स है, और खाद से ही सबसे ज़्यादा प्लवक पैदा होते हैं, जो मछली के आहार प्राकृतिक भोजन होते हैं वो खाद गोबर से बनते हैं। तो खाद का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कीजिए, ताकि वास्तव में आपके जो वनस्पति प्लवक, छोटे छोटे जो मछली का आहार है, वो उसको बना खा सके। ठीक है, फिर ये है कुछ, हम लोग चूना ऊना का उपयोग करते हैं, वो चूना का उपयोग भी मत कीजिए। यहाँ छोटे ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए दो चीज़ है, एक केमिकल होता है सिंथेटिक केमिकल, एक होता है प्राकृतिक केमिकल। प्राकृतिक केमिकल आपको कहाँ से मिला, नेचुरल केमिकल, नेचुरल रॉक से मिलता है, वैसे से मिनरल्स बनते हैं, तो नेचुरल रॉक का जितना इस्तेमाल करेंगे कोई हानिकारक नहीं। लेकिन जो प्राकृतिक है, जो NPK बना के यूरिया बना दिया मैंने, सिंथेटिक हार्मोन का, सिंथेटिक केमिकल का कतई उपयोग है, क्योंकि धरती के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो आपका एक तरह से नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का भी काम करेगा और नेचुरल कह लीजिए खाद का भी काम करेगा। दूसरा एक चिलेटिंग एजेंट है, वो EDTA, ये पूर्ण रूप से वो है, इसका कोई हानिकारक नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। जो हैवी मेटल्स आपके तालाब में पाए जाते हैं, उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको कैसे बाइंड करके बाहर निकालेंगे, ये एक छोटे छोटे तत्व हैं EDTA जैसे, जिसको आप जितने भी हैवी मेटल्स हैं इसको नलीफाइड करने के लिए कुछ चिलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ठीक है, सीड वहाँ से लीजिए, या तो आपके आपके पास फार्म पे हो, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो ऐसे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैचरी से सीड लीजिए, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक सीड मिल जाए। फीड वहीं से लीजिए, यदि आप खुद बना रहे तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फीड प्लांट से लीजिए। हाँ, उसके बाद यदि फिश आपकी प्रोड्यूस हो गई, आपको एक्सपोर्ट करना है, या ऐसे जगह जहाँ पे मार्केट अच्छा है, बड़े बड़े चीज़ उस पर होटलों में रेस्टोरेंट में मार्केट अच्छा है,
उसको आप प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेस में लगाए गए एडिटिव्स, जो भी लगाए गए केमिकल एजेंट, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ये कुछ प्रोसेसिंग एडिटिव्स हैं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन इज द बेस्ट एडिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एडिटिव जिसको आप प्रोसेसिंग में ला सकते हैं। दूसरा है कुछ क्लीनिंग कंपाउंड जिसको सफाई करने के लिए, अभी मैं उदाहरण देता हूँ कि बिहार में पिछले साल आंध्रा में सबसे ज़्यादा मछली होती है, आंध्रा के तालाबों में सबसे ज़्यादा मछली होती है, आंध्रा के तालाब की मछलियाँ, एक पंगास मछली होती है, वो बिहार में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश बिहार में इतनी डिमांड है मछली की कि अपनी जो पैदा करते हो तो खाते ही खाते हैं, आंध्रा की भी खाते हैं, और आंध्रा वाले आइस में रख के उसको भेजते हैं, और इतने बदमाश होते हैं वो लोग, नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन उस पर वो फॉर्मलिन का कोट कर देते हैं, फॉर्मलिन को लेप लगाई, चिल्ड किया, डाल दिया, यानी कि जो मछलियाँ अभी कुछ दिन पहले बिहार में आई, कुछ दिन पहले यूपी में आई, वो फॉर्मलिन पाया गया उसके अंदर, सिर्फ इसलिए कि मैं इतनी दूर से भेज रहा हूँ, मेरी मछली ताजी की ताजी वहाँ दिखे, तो मैं फॉर्मलिन प्रिजर्वेटिव ऐड किया, आइसिंग किया, भेज दिया ताकि मछली ताजी की दिखती पूरी ऐसी कि तालाब की निकली हुई है। तो ऐसे तत्वों को हमको करना चाहिए, इसको हम लोगों ने बड़े संज्ञान में लिया, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया, बिहार गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया। एक और मछली है, एक अदर विदेशी, थाई मांगुर, थाई मांगुर जिसे मंगूरा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी मछली है जो 6 महीने में बड़ी हो जाती है, और दिखने में लगता है कि अरे इसमें कोई कांटे नहीं होते, लोग कहते हैं बिन कांटे वाली मछली खा रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसी थाई मांगुर में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कंटामिनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये गंदे पानी में पलती है, और गाँव के जितने तालाब हैं पोल्यूटेड है, खराब पड़े हुए हैं, गाँव के तालाब सारे खराब पड़े हुए हैं, तो यानी कि इस पोल्यूटेड तालाब में सिर्फ यही थाई मांगुर पाली जा सकती है। तो एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया, संज्ञान में लिया, और एनजीटी ने इतने कड़े निर्देश दिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए, कमिश्नर को दिए, सारे संस्थाओं को दिए कि आप इसकी मछली का रोकथाम लगाइए, जो एक्शन ले सकते हैं लीजिए, जो स्टॉक आप कहाँ पड़ रहा है उसको पकड़िए, माने कि उसको नष्ट कीजिए, मिनिस्ट्रीकरण की कार्रवाई कीजिए, इसके बच्चे से, इसके ट्रांसपोर्टेशन की सप्लाई में सारी की सारी चीज़ों पर रोक लगाइए। और ये मान के चलिए कि पिछले साल हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की, और बड़े बड़े मांगुर के फार्म हम लोगों ने नष्ट कराए, इसके बच्चे आते हैं वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से, इनकी मछलियों पर रोक लगाई, इनकी मछली की हमारी सीमा में ना घुस पाएँ। तो ऐसे कुछ मछलियाँ हैं, जैसे फॉर्मलिन हो गया, और ये वाली मछलियाँ होगी जो पोल्यूटेड वाटर में पल रही हैं, तो इन सब को देखते हुए ये कहा कि आप इन पे रोक लगाइए। तो ऐसी मछलियों का प्रोत्साहन ना कभी गवर्नमेंट करती है, ना हम लोग सरकारी इम्प्लॉय करते हैं, और ना ही किसान के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे सिर्फ आप तालाब का ही नष्ट कर पाएंगे, और आपके जो स्रोत हैं वो बेकार के बेकार रह जाएंगे। तो कतई इस चीज़ का पालन मत कीजिएगा। ये कुछ चीज़ें बता दी, नेक्स्ट करिए। हाँ, इसके बाद है कुछ एक्वा कल्चर इनपुट्स को प्रोहिबिट किया गया है। कुछ हम लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं मछलियों को मारने के लिए, इंसेक्टीसाइड पे, ये तो सब जानते हैं आप लोग, जो आप अपने एग्रीकल्चर लैंड में नहीं करते वो आप यहाँ भी ना कीजिए। इसको कतई, मतलब ये कुछ सूची बनाई गई है, इसको कतई, सिंथेटिक हार्मोन मत कीजिए, बाहर की मछली वाइल्ड सीड मत लाइए। वाइल्ड सीड लोग कहते हैं अच्छी होती है ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि वाइल्ड में पैदा हुई मछली 100% अच्छी होती है, लेकिन हमारे जो वाइल्ड हैं, जो नदियां हैं, वो खुद प्रदूषित हैं, वहाँ पे इतने हैवी मेटल्स हैं जो इतने कंटामिनेंट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से वो आपकी मछलियों में बाय अक्यूमुलेट होने के कारण हम लोग नहीं कहते कि आप वाइल्ड स्टॉक को इसके अंतर्गत लाइए। ठीक है, नेक्स्ट। ये कुछ एंटीबायोटिक्स और ये सब एक्टिव सब्सटेंस का कतई मत कीजिए, ये तो सब जानते हैं, ये ह्यूज लिस्ट है, इसको कहीं भी ना, इसके कल्चर में, इसकी पैकिंग में, इसके ट्रांसपोर्टेशन में, इसके प्रोसेसिंग में, कहीं कतई मत लीजिए, जिसमें जितने भी सल्फर हो, जितने भी नाइट्रोजन फास्फोर हो, इसको कतई मत उपयोग कीजिए। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं आप लोग। आगे ये कुछ प्रोसेसिंग की चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक मुझे जो मार्केट दिखता है वो इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग करके इंटरनेशनल मार्केट दिखता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में खास करके जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मार्केट है
दे हैव ह्यूज डिमांड, क्योंकि उनके कंज्यूमर्स वही हैं। तो यानी कि उसको आप प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों को ना यूज़ करें। जो प्रोसेसिंग एडिटिव्स हैं उसको, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन चल सकता है, लेकिन जो केमिकल्स हैं उसको कतई मत यूज़, सल्फाइड वल्फाइड कतई मत यूज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन। इंडिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो कह लीजिए कि आज की डेट में, क्योंकि ये अभी कह लीजिए छोटा बच्चा ही है ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर में, तो यानी कि जितनी भी सर्टिफाइड होती हैं वो भारी एजेंसीज हैं, उसको कुछ इंडियन एजेंसी ने वो दे दिया, मान्यता दे दी गई है जो सर्टिफाइड करती हैं। तो आप अपने फार्म का रेगुलर इंस्पेक्शन कराइए, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, ये तीन प्रक्रियाएँ होती है। आप जब तक अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करके रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे, इंस्पेक्शन करने के बाद सर्टिफाइड नहीं कराएंगे, तो बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ फार्म प्रोडक्ट्स हैं जो आज की डेट में उपलब्ध हैं। इंडिया में का एक ही प्रोडक्ट है, वो श्रिम्प है। श्रिम्प है आज की डेट में, पंगेसियस भी आ गया है ऑर्गेनिक पंगास में। अन्य मछलियाँ सब भारी हो रही है। तो आने वाले क्षेत्र में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मछली पालन के अपने जो गतिविधियाँ कर रहे हैं, और खास कर मैं ऐसी धरती पे हूँ जहाँ पे ऑर्गेनिक की जननी भी कह सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से यदि ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा ये मछली पालन का सेक्टर भी मजबूत होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया। खास करके जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनका बहुत ही अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।